अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन एट की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन एट है अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। मतलब कोई भी कौम जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है और कैसे तरक्की कर सकती है। इस पोएम में, छोटी सी पोएम में, नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत के बारे में बताया गया है कि कोई भी कौम जो है वो कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे अपने आप को मजबूत बना सकती है। नॉट गोल्ड, सोना नहीं, बल्कि ओनली मैन कैन मेक, ओनली सिर्फ मैन अफराद कैन मेक बना सकते हैं। सोना नहीं बल्कि सिर्फ अफराद बना सकते हैं। अ पीपल ए कौम को ग्रेट, अजीम एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत। ठीक है, कोई सोना नहीं बना सकता कौम को मजबूत, सिर्फ़ और सिर्फ क्या बना सकता है, सिर्फ अफराद जो हैं वो बना सकते हैं कौम को मजबूत और अजीम और मजबूत। मैन, वो अफराद हु फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई के लिए, एंड ऑनर सेक और इज़्ज़त की खातर। ठीक है, वो अफराद जो सच्चाई और इज़्ज़त की खातिर स्टैंड फास्ट डट जाते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग और अरसा दराज तक तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं, स्टैंड फास्ट, वो हर किस्म के हालात के सामने डट जाते हैं और अरसा दराज तक तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं। ब्रेव मैन, बहादुर लोग, हु वर्क, जो काम करते हैं, वाइल जबकि अदर स्लीप, और दूसरे सो रहे होते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो उस वक़्त भी काम कर रहे होते हैं जबकि दूसरे अफराद जो हैं वो सो रहे होते हैं। हु डेयर, वो सीना सपर हो जाते हैं। डेयर का मतलब जुरत भी होता है। हु डेयर, वो सीना सपर हो जाते हैं, मतलब हर किस्म के हालात के सामने वो सीना तान लेते हैं। वाइल जबकि अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे जो हैं वो फरार हो जाते हैं। दे बिल्ड, वो तमीर करते हैं। अ नेशन्स पिलर, कौम के स्तून, डीप, गहरे। वो जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुल्क की जो बुनियादें हैं, जो मुल्क की बुनियादों को गहरा तमीर करते हैं। एंड लिफ्ट देम, और उन्हें उठा लेते हैं टू द स्काई, आसमान की तरफ। ये जो कौम के पिलर होते हैं, कौम के जो सतून होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कौम के सतूनों को, जो बहादुर लोग होते हैं, वो इन्हें उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, यानी अपने मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी पोइम है, बहुत इजी है, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।